गुरु जी, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, इस विपश्यना ध्यान सेंटर के आचार्य जी हैं जो यहाँ पर सभी लोगों को प्रशिक्षण दिए हैं, तो आपके द्वारा क्या क्या प्रशिक्षण किस तरह से दिया गया है, थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। हमारे चैनल पे आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। ये मैं 10 दिन के शिविर में ही यहाँ पर था, 10 दिन तक इस सेंटर पर, और फिर मैं चला जा रहा हूँ। आज हम सभी लोगों की विदाई है। और यहाँ पर जो सिखाया जाता है, सील समाधि प्रज्ञा, सील का हम पालन कैसे करेंगे। 10 दिन हमने सील का पालन किया है। हम अपने मन को कैसे एकाग्र करेंगे, और एकाग्र मन करके हम अपने मन को कैसे निर्मल करेंगे, यह व्यवहारिक रूप से यह यहाँ सिखाया जाता है, और वही लोगों ने यहाँ सीखा है। तो यहाँ पर जो पहली बार विपश्यना में बैठे हैं, वो कोई हमारे चैनल पर आए, हाँ कोई बोल सकता हाँ है हाँ देख लीजिए, आप जिसने लोग पहली बार लिया हाँ हो? पहली बार, काफी ये लोग पहली पहली बार बार नहीं लोग है, आप पहली सुन बार के है। आए। हाँ हाँ, तो जी, क्या नाम है आपका? मनोज बनका गौरव, कहाँ से आप आए हैं? गोरखपुर से। हाँ गोरखपुर से। जी, कैसा महसूस हुआ इस ध्यान बहुत सेंटर पे? बहुत अच्छा, बहुत। बहुत अच्छा। कितने दिन की आप शिविर लिए? 10 दिन। 10 दिन की। अच्छा, फिर आगे भी सोच है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें जो सिखाए गए हैं घर पर भी पालन करेंगे? हाँ निश्चित रूप से करेंगे, संकल्प लेके जा रहे हैं कि करेंगे उसको। अच्छा, ये देखिए गोरखपुर से आए थे, इनके द्वारा अभी उपासना ली गई। आप कहाँ से भैया? गोरखपुर से। अच्छा, गोरखपुर से। अच्छा, कोई गोरखपुर के अलावा और भी कोई दूर हाँ, दराज से आगे है? आगे बस, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्या क्या नाम है आपके भैया? ये बीच में ले, आयुष। आप अपना बताइए। आयुष कहाँ से है? लखनऊ। लखनऊ से। कैसा महसूस किए? पानी थोड़ा सा आया था, लेकिन यहाँ से शायद मैं बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ। और जीवन में एक ही चीज़ जो यहाँ से सीखी है, जो अभ्यास करके अपने लाइफ में जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं वहाँ से पा के सीख रहे। आप सर कहाँ से हैं? मैं रहने वाला तो देवरिया का हूँ, बट मैं नोएडा में रहता हूँ। और ये विद्या का जो डिटेल मुझे नेट के थ्रू पता चला, प्लस मेरे मामा जी हैं उन्होंने किया हुआ है, तो मुझे लगा कि एक बार ही एक्सपीरियंस करते हैं। मैं कोई माइंडसेट से नहीं आया था कि वहाँ जाके क्या मिलेगा, बट अभी 10 दिन यहाँ गुजारने के बाद से ये महसूस हो रहा है कि मैं शायद लेट हूँ। मैं 20 साल पहले आता, 15 साल पहले आता, तो और इस चीज़ का फ़ायदा मिलता, बट एक होता है कि जब देर आए, जब भी आए तो सही समय होता है। अभी आके ये हो रहा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने निजी जीवन में बिना किसी रुकावट के, बिना अपने कार्य को बाधित किए हुए कर सकते हैं, और इसका लाभ जो है वो आजीवन आपको इस रूप में मिलेगा कि आप उसको सोच ही नहीं सकते हैं कि इसको हम कितना, इसमें कितना आगे जाएं। सब आप पे ही डिपेंड करता है। इस विद्या की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो कुछ भी सिखाया जा रहा है वो आपको क्या करना है अपने मन के साथ, और अपने को कहाँ तक ले जाना है, उस चीज़ को ही मजबूत करने की बात चलिए, अच्छा प्रेरणा आपको मिली, इसके जी। लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आप कहाँ से हैं? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के। पहली बार आए हैं यहाँ पर कुशीनगर में? हाँ बिल्कुल, 10 दिन से पहली बार। अच्छा, इसके पहले भी कहीं विपश्यना सेंटर में बैठे थे? जी नहीं, पहली बार है। इसका हमें इंटरनेट से जानकारी मिली थी, उसके बाद हमने विपश्यना सेंटर के लिए यहाँ कुशीनगर में आवेदन किया। तो अभी यहाँ से घर जा रहे हैं? हाँ निश्चित तौर पर, प्रयागराज निकलेंगे। अच्छा, ये देखिए, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ नहीं, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं। और अभी और कोई दूर दराज जो अपने उत्तर प्रदेश से हटके है, कोई आप है? हैं उधर, आप ही अच्छा, बताए हुए तीसरा शिविर है ना आपका? तो जी, अच्छा, यहाँ पर देखिए तीसरी बार शिविर में बैठे हैं, कैसा महसूस हुआ? आप 3 बार से प्रशिक्षण ले चुके हैं, इसी बहुत। जगह पर लिए हैं या कहीं और? पहले तो जयपुर में लिए थे 2 महीने, और ये 3rd टाइम यहाँ पे है। तो एक्सपीरियंस की कहे तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव, मतलब करने के लिए अगर कुछ करना, आगे का लक्ष्य बड़ा है तो आपको विपासना लेना चाहिए। और ये लाइफ ग्रोथ के लिए, बौद्धिक क्षमता के लिए, और कई तरह की एक्टिविटी के लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल है। अच्छा, कहाँ देखिए, से हैं बता दें? आपके द्वारा बताया गया बहुत ही अच्छा है, 3 बार विपश्यना में बैठ चुके हैं और यहाँ पर तीसरी बार है लखनऊ। जी, अच्छा, कहाँ से हैं? ऐसे तो प्रॉपर मैं यूपी का ही हूँ, लेकिन राजस्थान जयपुर में रहता हूँ। अच्छा, कोई तो जॉब करते हैं क्या? जी, जॉब पहले मैं करता था ऑटोमेशन, लेकिन वो जॉब छोड़ के अभी मैं खुद तैयारी करने लग गया कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की। और मैं पढ़ाता भी हूँ, 1 से 12 तक के बच्चों को कोचिंग देता हूँ। अच्छा, ये देखिए आप।